टॉप फोर सबसे बेस्ट चंदन नगर शहर का जगधरती पूजा पंडाल और माँ जगधरती का भव्य प्रतिमा आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बरकरार रहिएगा। इस वीडियो में टॉप फोर पूजा मंडप दिखाने वाला हूँ, गजब गजब। जंगल सफारी मोगली से लेकर पर्यावरण से लेकर और भी हिस्टोरिकल पंडाल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं जंगल सफारी घूमने के लिए? अब मैं क्यों बोल रहा हूँ जंगल सफारी घूमने के लिए, तो हम लोग सीधा सीधा आ पहुंचे हैं बाग बाजार बाबू पुकुर धार के पास। इस साल इनका जो जगधरती पूजा का थीम बनाया गया है जंगल सफारी के ऊपर बनाया गया है। पीछे जो आप लोग देख रहे हैं बड़ा सा एक एनाकोंडा जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाला ये थीम है और दर्शनार्थियों को छोटे छोटे बच्चों को लुभाने वाला ये थीम बनाया गया है। चलिए सीधा सीधा माँ जगधरती का आराधना बाग बाजार बाबू पुकुर धार किस तरीके से कर रही है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक, एंट्रांस गेट जैसे ही एंट्री करिएगा आप लोगों को एकदम ऊपर मोगली, आप लोग बच्चे लोगों का बेस्ट कैरेक्टर मोगली दिखेगा ऊपर में। मोगली तेंदुआ के साथ जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उसके साथ वो खड़ा है। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे ही हम लोग मंडप के भीतर लेकर जाएंगे आप लोगों को वो जंगल का पूरा दृश्य यहाँ पर झलकाएंगे। चौबीस साल माँ जगधरती का आराधना पूरा हुगली जिला चंदन नगर शहर भव्य भव्य तरीके से और अपने तरीके से कर रहा है। ठीक, उसमें से जो एक थीम आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जंगल सफारी, पूरा पूरी जंगल का सारा दृश्य यहाँ पर झलकाया गया है। पेड़ पौधों से लेकर किस तरीके से जो जानवर जंगल में रहते हैं उन सारे जानवरों को यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं अगर बोलूं इस मंडप में छोटे छोटे बच्चे लोग बड़ा ही आश्चर्यचकित होंगे और उनको ये लुभाएगा मंडप, क्योंकि इस मंडप का जो खासियत है जो विशेषता है वो पूरा पूरी अगर मैं बोलूं तो बच्चे लोगों के लिए है और बच्चे लोगों के लिए सबसे बेस्ट मंडप है। हकूना मटाटा ये बचपन का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भैया, आप सभी का भी होगा। मंडप के भीतर जैसे ही प्रवेश करिएगा गुफा टाइप का बनाया गया है एकदम, और इसमें पूरा पत्तों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब पूरा झलकाया जा रहा है कि जंगलों में गुफा कैसे होता है और लताएं जो झाड़ियां होती है और पत्ते होते हैं वो कैसे लटकते हैं, वो पूरा वैसा ही डेकोरेट किया गया है ग्रीन कलर में। चलिए माँ का भव्य रूप आप लोगों को दिखा दिया हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ जगधरती। तैयार है एक और बेहतरीन थीम देखने के लिए? और बता दूं ये जो थीम मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं हेलापुकुर सार्वजनिक जगधरती पूजा कमेटी के तरफ से बनाया गया है और एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला ये थीम है। बता दूं ये थीम का पूरा पूरी निर्माण वातावरण यानी कि प्राकृतिक से रिलेटेड किया गया है। पेड़ पौधों को यहाँ पर दर्शाया गया है, सीधे सीधे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस पूजा मंडप थीम का, आप लोग बहुत ऐसे पूजा मंडप थीम देखते आ रहे हैं जहां पर कोई पंडाल, कोई मंदिर का थीम, कोई बिल्डिंग का थीम बनाया जा रहा है, लेकिन हेलापुकुर के तरफ से 2024 साल माँ जगधरती का आराधना करने के लिए इस बार जो भव्य थीम बनाया गया है दर्शनार्थियों को लुभाने के लिए वो पूरा पूरी पेड़ पौधों के ऊपर दर्शाया गया है। सीधे सीधे स्क्रीन पे जो आप लोग फुटेज देख रहे हैं माँ का वो भव्य रूप
माँ जगधरती के रूप का जो श्रृंगार है वो फाइनली अंतिम पड़ाव पर है और मूर्तिकार जिस तरीके से माँ जगधरती के रूपदान को रूप दे रहे हैं सच में एक ग्रेट सल्यूट है, क्योंकि अगर मूर्तिकार नहीं होते तो माँ जगधरती का रूप हम लोग नहीं देख पाते। एक बार मैं बोलूंगा हमारे कैमरा पर्सन से माँ जगधरती का वो रूप दिखाएं। किस तरीके से पूरा चंदन नगर शहर माँ जगधरती की आराधना में डूब चुका है, मगन हो चुका है। बैक टू बैक एपिसोड आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक हर साल हेलापुकुर के तरफ से, हेलापुकुर सार्वजनिक जगधरती पूजा के कमेटी के तरफ से भव्य भव्य थीम और दर्शनार्थियों को लुभाने वाले थीम दर्शाए जाते हैं। ठीक इस साल भी क्या थीम बनाया गया आप लोगों को दिखा दिया हूँ। पेड़ पौधों को दर्शाया जा रहा है और मैं एक खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स से, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर डमी पेड़ पौधों को देख रहे हैं, अपने अपने घर में भी एक पेड़ और पौधा को जरूर लगाइएगा, क्योंकि अभी के टाइम में डिजिटल दुनिया जो बढ़ते जा रही है, लोग घर बिल्डिंग बनाने के चक्कर में वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बस एक खास मैसेज हेलापुकुर की तरफ से यंग युवा पीढ़ी को दिया जा रहा है कि जितना डिजिटल दुनिया और नेटवर्किंग दुनिया हम लोगों के लिए खास और महत्वपूर्ण है, उतना पेड़ पौधा भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चंदन नगर सिटी को हम लोग इसी तरीके से विजिट करते रहेंगे। बैक टू बैक पूजा मंडप थीम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब हम लोग मिलेंगे ठीक नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास कुछ नए पंडाल के साथ, कुछ नए माँ जगधरती के रूप के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को मैं लेकर आ पहुंचा हूं चंदन नगर शहर का दूसरा टॉप पूजा मंडप के पास। कब से जो आप लोग झलक देख रहे थे इस पंडाल का, बता दूं उत्तरांचल क्लब इस पूजा मंडप थीम को 2024 साल माँ जगधरती के आराधना के उपलक्ष्य पर बनाई है। और ये थीम का नाम आखिर क्या रखा गया है आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रत्ना गर्भ। तो ये थीम का नाम रत्ना गर्भ रखा गया है। अब सीधा सीधा अगर मैं बताऊं इस थीम का विशेषता को लेकर और आखिर इस थीम में क्या क्या वो झलकियां दर्शाया गया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवनी के ऊपर यानी कि उनके बारे में आखिर वो अपने जीवन में क्या क्या किए हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर ये थीम को बनाया गया है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे इस पूजा मंडप के भीतर लेकर आता हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ, ये पूजा मंडप अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला रूप को दर्शा रही है और दर्शनार्थियों को इस साल यह मंडप बहुत ज्यादा ही लुभाने वाला है, क्योंकि ये मंडप का अगर मैं बताऊं आप लोग कलर देख सकते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े का यूज किया गया है और आप लोगों को पता ही है जहां पर ब्लैक कलर यूज किया जाता है वो देखने में गजब का एक अत्याधुनिक रूप लगता है। रात के टाइम में ये जो लगेगा ना क्या ही बोलूं आप लोगों को। धीरे धीरे मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ मंडप के भीतर। आज महापंचमी है और इनका जो मंडप का एकदम अंतिम पड़ाव का जो कार्यकाल है वो चल रहा है। फाइनली जो मंडप के भीतर अगर आप लोग आएंगे तो मंडप के भीतर का वो सौंदर्य अलग ही झलकेगा, एक अलग ही वाइब है। और ठीक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ ही साथ वेस्ट बंगाल और हमारे भारतवर्ष में जितने भी महिलाएं बोलिए या फिर जितने भी पुरुष बोलिए, जो लोग हमारे देश का नाम रोशन किए हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे अदर फील्ड के कोई भी पर्सन हो, उनको यहाँ पर स्मरण किया गया है यानी कि याद किया गया है। और सच में वेस्ट बंगाल को मैं बार बार ग्रेट स्टेट इसलिए बोलता हूँ कि वेस्ट बंगाल का जो उत्सव जैसे ही आता है, ये एक सिर्फ उत्सव ही नहीं है, ये एक सिर्फ माँ जगधरती का हम लोग पूजा अर्चना नहीं करते हैं, बल्कि
आने वाला यंग जनरेशन और पीढ़ी को हम लोग एक अच्छा खास मैसेज देते हैं, जो हमारे संस्कृति, विरासत, कल्चर और हिस्ट्री को वो लोग भूलते जा रहे हैं। डिजिटल टाइम जितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, उतना ही हम लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर उत्सव के उपलक्ष्य पर सिर्फ माँ जगधरती का आराधना नहीं, बल्कि वो सारे संस्कृति को, विरासत को और कल्चर को यंग युवा पीढ़ी के सामने एक खास संदेश देती है, जो आप लोग अभी सीधे सीधे उत्तरांचल क्लब के तरफ से जो थीम बनाया गया है वो आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को माँ जगधरती का वो भव्य रूप किस तरीके से विराजमान किया गया है वो आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए उत्तरांचल क्लब को यहीं पे छोड़े जाता हूँ, लेकिन इस शहर में एक से एक बेहतरीन पूजा मंडप थीम अभी दिखाना आप लोगों को बाकी है, तो बरकरार रहिएगा इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास कुछ नए माँ जगधरती के रूप के साथ और कुछ नए पूजा मंडप थीम के साथ। तब तक के लिए आज का ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो क्या सोचा था आप लोगों ने कि मैं वापस नहीं आऊंगा फेस्टिवल में? जी हाँ, आ चुका हूँ। बता दूं, सीधा सीधा मैं आप लोगों को लेकर आ पहुंचा हूँ वेस्ट बंगाल का हुगली जिला चंदनगर सिटी में। आप लोगों को बता दूं, वेस्ट बंगाल में हर एक शहर का अपना अपना एक खासियत है फेस्टिवल मनाने का, माँ को पूजा करने का। तो ठीक, हम लोग आ पहुंचे हैं चंदनगर शहर में, और चंदनगर में आप लोगों को पता ही है जगधरती पूजा बहुत ही खासम खास तरीके से मनाया जाता है। तो ठीक, हम लोग पहला पूजा मंडप विजिट करने आ पहुंचे हैं, जिसका नाम है सूरेर पुकुर। आप लोगों को जो मैं बैकग्राउंड में एक पंडाल का थीम दिखा रहा हूँ, ठीक सूरेर पुकुर के तरफ से इस थीम को बनाया गया है। और इस बार एक गजब का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, रतन टाटा, रतन नवल टाटा जी को ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनका फोटो लगाकर, इनको स्मरण करके, जो कि सबसे गजब का मुझे लगा है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। जैसे ही कोई महान शख्स का डेथ होता है तो लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन सूरेर पुकुर इनको नहीं भूले हैं। चलिए आप लोगों को मैं सीधा सीधा लेकर आता हूँ सूरेर पुकुर के पूजा प्रांगण में। और ये जो भव्य पंडाल आप लोग देख रहे हैं, क्या ही बोलूं आप लोगों को, जितना तारीफ करूं उतना कम है। यहाँ पर भावना कांतो और अवनी लेखड़ा को दर्शाया गया है, हमारे देश का शान है ये लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस पूजा मंडप का खासियत को लेकर और क्या क्या बताया गया है, तो मैं बोलूंगा, चलिए धीरे धीरे आप लोगों को पूजा मंडप के भीतर लेकर आता हूं। सामने में आप लोगों को रथ देखने मिलेगा, जिसमें भगवान शिव और पार्वती जी विराजमान होती हुई आप लोगों को दिखेंगी। सच में गाइज, हम लोग का बंगाल का जितना तारीफ मैं करूँ उतना कम है, क्योंकि फेस्टिवल के मौके पर वो इतना भव्य भव्य पंडाल बनाती है। और ये सिर्फ पंडाल ही नहीं है, इस पंडाल के जरिए यंग युवाओं को एक संकेत दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है। चलिए फिलहाल आप लोगों को मैं लेकर अब आ पहुंचा हूँ सूरेर पुकुर पूजा मंडप के भीतर। आखिर इस पूजा मंडप के भीतर का वो क्या ही डेकोरेशन किया गया है आप लोगों को दिखाऊंगा, देखकर आप लोगों का मन जो है वो पूरा पूरी मोहित हो जाएगा। चलिए फिलहाल आप लोग ऊपर देख रहे हैं, पूरा पूरी डमी फ्लावर का डेकोरेशन किया गया है। इस पर जब लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो ये नाइट के टाइम में अलग ही अत्याधुनिक रूप दर्शाएगी। सच में एक ग्रेट सल्यूट है सूरेर पुकुर के क्लब के सभी सदस्य को, जो 2024 साल माँ जगह धरती का आराधना भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी कारीगर जो लोग दिन रात मेहनत करके इस पूजा मंडप को खड़ा किए हैं, उनको भी एक ग्रेट सल्यूट है। वो लोग अगर नहीं होते तो हम लोग फेस्टिवल और उत्सव नहीं मना पाते। चलिए एक बार मैं आप लोगों को मंडप के भीतर का वो सारा दृश्य दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से भव्य तरीके से एक एक झलकिया को दर्शाया गया है वो आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सूरेर पुकुर हर साल कोई ना कोई एक अत्याधुनिक चमक लेकर आती है, और ये सिर्फ
पंडाल ही नहीं है, पंडाल के जरिए यंग युवाओं को एक मैसेज दिया जाता है ताकि वो लोग हमारे उत्सव को, कल्चर को और संस्कृति को भूले नहीं। फिलहाल अब मैं आप लोगों को सुरेर पुकुर माँ जगधरती का वो भव्य रूप दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर किस तरीके से विराजमान किया गया है। चौबीस साल माँ जगत धरती का आराधना सुरेर पुकुर किस तरीके से कर रही है मैं आप लोगों को दिखा दिया। चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होता है, इस शहर में एक से एक अत्याधुनिक थीम और माँ जगत धरती का रूप यहाँ पर बसाया गया है जो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता ही रहूंगा। अब हम लोग मिलेंगे ठीक इस शहर के नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास, तब तक के लिए इस वीडियो में आप लोग बरकरार रहिए।